तो गाइस शिनचान और चॉप की डिमांड पे आज हम लोग आए हैं पिकनिक मनाने, वो भी बीच पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं पूरा दिन चिल। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या सो रहे हो, उठो ना, हम लोग यहाँ पर मस्ती करने आए थे, आप तो आराम करने लग गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे हाँ चॉप तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये एक नंबर के आलसी है, अभी के अभी उठो, फिर तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं निकलता, अगर आपको सोना ही था तो घर पर सो जाते। अरे यार शिनचान थोड़ी देर तो आराम करने दे, वैसे भी मुझे कहाँ पर रोज आराम करने मिलता है। हाँ हाँ आप तो कहीं के गवर्नर हो ना, जो पूरा दिन काम करते रहते हो, घर पर भी तो ऐसे ही पड़े रहते हो, अब उठ रहे हो कि नहीं? अब तो मैं नहीं उठूंगा, तुम दोनों को जो करना है ना करो। हाँ नहीं तो टोंट पे टोंट, टोंट पे टोंट, मजाक बना के रखा है मेरा, बोला कि थोड़ी देर में उठ रहा हूँ तो मैं उठ जाऊंगा, बार बार बोलने की क्या जरूरत है। एक मिनट गाइस ये क्या गिरा? ओ तेरे की बहुत जोर से लगी यार, सारी हड्डियां ही टूट गई है। ओ भाई साहब। गाइस यार वो बहुत जोर से गिरा था, उसको पक्का बहुत लगी होगी। अरे तो फिर देख क्या रहे हो, जल्दी से जाके उसकी मदद करते हैं ना। हाँ मैं वहीं पर जा रहा था, तूने ही मुझे रोका। गाइस यार फटाफट जाते हैं। ओ भाई साहब ये मुझे सुन पा रहा है या नहीं, आप ठीक तो हो ना? वैसे लग तो नहीं रहा है, आपकी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है, आपके साथ ऐसा हुआ कैसे? मैं एक चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा था, पर उसने मुझे बहुत जोर से मारा, मैं डायरेक्ट रिंग के बाहर आके गिरा हूँ, मेरी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। गाइस ये सच्ची में बहुत ज्यादा पेन में है। वैसे एक बात बताओ, वो फाइट हो कहाँ पर रही है? वो यही पर हो रही है, वहाँ बीच पर। पर हम लोग भी तो बीच पर ही है, कोई डायरेक्शन बताओ तो समझ में आए। वो वहाँ पर मेरे राइट साइड में। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर आराम करो, मैं जाकर आता हूँ। गाइस जरा देखे तो सही, ऐसा भी कौन था जिसने उसको इतने जोर से मारा कि वो बाहर आकर ही गिर गया। चलो इसे लेने तो एम्बुलेंस आ गई है, मतलब ये थोड़ी देर में ठीक हो ही जाएगा, अब जल्दी से जाके देखते हैं। भाई क्या क्या, ये तो एक लेडी है, इसने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी। हाँ वैसे दिखने में तगड़ी भी लग रही है, थोड़ी मस्कुलर तो है। हे लेडी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना जोर से कौन मारता है, आपने उसकी हालत देखी है क्या? एक मिनट गाइस यहाँ पर इतना सारा पैसा, कहीं ये वो इनाम तो नहीं जो यहाँ पर जीतने पर मिलेगा? अब मेरे दिमाग में लालच आ रहा है, हम लोग इसे हराएंगे गाइस, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, मुझे कोई एरा गेरा नहीं हरा सकता, समझे ना? शिनचान चॉप इसने अपने को एरा गेरा बोला, इसकी तो मैं, अब तो मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा लिया तो ये सारा इनाम तुम्हारा, पर तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, अगर मुझे थोड़ी सी भी टक्कर देनी है तो जाओ और जाके ट्रेनिंग करो। वेल गाइस बोल तो सही रही है, अगर इसे हराना है तो ट्रेनिंग तो करनी होगी। शिनचान चॉप जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। गाइस आज तो दबा के ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए मैं आ गया हूँ जिम में, अब इससे अच्छी ट्रेनिंग तो और कहाँ पर होगी। गाइस जरा यहाँ पर लोगों को तो देखो, लग रहा है ये भी उस चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर छोड़ो हमें क्या, हमें खुद के जीतने से मतलब है, हम लोग इनसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले तो खुद के डोले छोले बनाए जाए। शिनचान चॉप यार जल्दी से आओ ना, कहाँ पर रह गए? और मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई ट्रेनर तो है नहीं, तो आज से तुम दोनों मुझे ट्रेनिंग दोगे, अब बताओ कि मुझे क्या करना होगा। अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। फ्रैंकलिन भैया आप एक काम करो, पुशअप करना चालू करो, ये आपके लिए अच्छी शुरुआत होगी। अच्छा ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाइस यार इतने में हालत खराब हो गई। अरे ये क्या, बस इतना ही दम है, लगे रहो। अरे यार कर तो रहो। 12 14 17 अरे ये क्या, अब तो गिनती भी भूल रहे हो। अरे यार मुझे बहुत थकान हो रही है, बस ना बहुत हो गया ना, और थोड़ी वेट लिफ्टिंग कर लो, इससे आपकी बॉडी पंप हो जाएगी। हाँ हाँ शिनचान ने एकदम सही कहा, तो जल्दी शुरू हो जाओ। अच्छा ठीक है गाइस, 1 और ये 2 और शिनचान बहुत हो गया क्या, ये और करना पड़ेगा। अरे आप तो बहुत ही कमजोर हो, अभी तो हम लोग बस मसल पर ध्यान दे रहे हैं, स्टेमिना पर तो ध्यान देना बाकी है, वो हम लोग इसके बात करेंगे, तो आप तैयार हो ना? वैसे आप उसके लिए करोगे क्या? अरे मुझे पता है क्या करना है, जल्दी से आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। चलो गाइस ये थोड़ा ठीक है, थोड़ी देर भागना ही तो है, इससे हमारा स्टेमिना बढ़ जाएगा मुझे लगता है। शिनचान मैं बराबर कर रहा हूँ। अरे ये क्या लल्लू पंजू जैसा भाग रही हो, थोड़ा स्पीड भागो ना। अब अरे यार मैं बहुत ज्यादा थक गया, इतना बहुत है, और वैसे भी मैं सही बताऊँ मुझे पहले से थोड़ा पावरफुल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर बहुत सारी पावर आ गई है, मेरे मसल भी थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। चलो ना जाकर किधर टेस्ट करते हैं, पता तो चले हमारी कितनी बॉडी बनी है। तो गाइस यार हम लोग आजमाएंगे कहाँ पर, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक मिनट गाइस ये शर्ट इतना टाइट क्यों हो रहा है? ओ भाई साहब गाइस हमारा तो शर्ट ही फट गया, जरा हमारे डोले शोले तो देखो पहले से थोड़े बढ़ गए, अभी मजा आएगा ना भिड़ू। अब तो मुझे और ज्यादा खुजली हो रही है ये सब करने की। शिनचान चॉप यार किस पे आजमाऊं? अरे हमें क्या पता, आपको जिस पे आजमाना है आजमाओ ना। हाँ बस हम
पर मत आजमाना वरना आपको ट्रेनिंग कौन देगा। अरे यार तुम दोनों कितना डरते हो, तुम दोनों पे ऐसा क्यों करूंगा मैं, यहाँ पर कोई तो खड़ा है, चलो जाकर इन पर ही आजमाते हैं, पता चल जाएगा। और ये गाइस सॉरी अंकल, पर वैसे भी आपकी उम्र हो गई थी। चलो गाइस जल्दी जल्दी, और ये भी गई। अंकल अकेले ऊपर क्या करेंगे, आंटी की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। और किस पर आजमाए, इस गाड़ी पर आजमाते गाइस। और ये गई भाई साहब, गाइस यार ये बहुत ज्यादा कूल है। और ये भी गया, एक साथ तीन तीन गाड़ियां गई, उसमें से एक तो ट्रक थी, अब इसमें आजमाते हैं। और ये अबे 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 हमारे टच करने से हिल जाता है ये तो। और बूम बाम गाइस, यार मुझे मजा आ गया, हम बहुत ज्यादा कमाल कर रहे हैं। एक मिनट, ये किसका फोन आ रहा है, ये तो उसी लेडी का है। हाँ बोलो। बच्चे तुम्हें क्या लगा थोड़ी सी बॉडी बनाने से तुम मुझे हरा लोगे, मैं खाली स्ट्रॉन्गर ही नहीं फास्टेस्ट भी हूँ, मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें तेज भी होना पड़ेगा। थैंक यू, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुकाबला थोड़ा टक्कर का हो, मैं लल्लू पंजू के साथ फाइटिंग नहीं करती। अच्छा ठीक है, उसने बोला तो सही है, खाली मसल बिल्ड करके कुछ नहीं होगा, हमें तेज भी होना पड़ेगा। शिनचैन यार हमें अपना स्टेमिना बढ़ाना होगा और ज्यादा स्पीड होना होगा, पर उसके लिए हम लोग करेंगे क्या। अरे यार उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे हाँ मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए आपको मेरी बताई हुई लोकेशन पर आना पड़ेगा। अरे यार तू जहाँ पर बोलेगा हम लोग वहाँ पर चलेंगे, तू बता तो सही कि करना क्या है। अरे वो तो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा, तो एक काम करो ना अभी जल्दी से चलते हैं। चलो ठीक है भाई आ जाओ। और क्या पता नहीं गाइस यार शिनचैन हमें कहाँ पर लेके जाएगा। अब यार ये तू कहाँ पर लेके आ गया, आगे कुछ भी नहीं है खाली पानी पानी है, तू यहाँ पर मुझे करवाने क्या वाला है। गाइस यार यहाँ पर हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, क्या चल रहा है शिनचैन तेरे दिमाग में, मुझे जल्दी से बता। अरे कुछ भी नहीं, आपको बहुत आसान सी चीज करनी है, रुको मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आपके पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। अरे वाह मैं समझ गया तुम क्या करवाने वाले हो। अरे पर मैं नहीं समझाना भाई, मुझे समझाएगा तब पता चलेगा ना। अरे कुछ नहीं, आपको एक कोने से लेके दूसरे कोने तक स्विमिंग करनी है, वो भी जितनी फास्ट हो सके उतनी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चल कोई नहीं, जाके गाइस अगर स्विमिंग करना है तो कर ही लेते हैं, हमें इस किनारे से लेके उस किनारे तक जाना है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। अबे यार सबसे पहले तो ऊपर जाता हूँ, नीचे और ज्यादा स्पीड स्लो हो जाती है। वैसे शिनचैन का आइडिया कमाल का है, स्विम करने से पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, अब हमें बस जल्दी जल्दी करना है। भाई साहब जल्दी जल्दी करते गाइस, और थोड़ा स्पीड करना होगा, जल्दी जल्दी हाथ घुमाता हूँ, फटाफट 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 हमारी स्पीड बढ़ रही है गाइस। और वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा आसान है, बस हम लोग थोड़ा सा थकेंगे, पर हमें जाना है बस दूसरे किनारे तक जो कि हम लोग पहुंच जाएंगे। थोड़ा और स्पीड करता हूँ खुद को, आराम से हो जाएगा आराम से हो जाएगा। ये आवाज कहाँ से आई, शार्क, अबे ये कहाँ से आ गई, शिनचैन ने इनके बारे में तो नहीं बताया था। अबे यार इससे पहले ये अपने को खा ले हमें भागना होगा, ये तो क्या स्पीड में आगे बढ़ रही है गाइस। नहीं 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 हमारे बहुत ज्यादा नजदीक आ गई थी। अबे यार ये कहाँ फंसा दिया इसने, अबे पैसों का लालच बहुत ज्यादा चढ़ गया है क्या। चलो गाइस यार फाइनली यहाँ से बाहर निकले, आप लोग देख रहे हो एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी पांच शार्क है यहाँ पर, अगर इनके हाथ लग गए होते ना तो इनका तो आज मैं डिनर बन गया होता, सॉरी दोपहर है लंच। अब हमें करनी है गाइस साइकिलिंग, वो रही ठीक हमारे सामने हमारी साइकिल, तो जल्दी से जाके बैठ जाते हैं। शिनचैन मैं साइकिल पर बैठ गया जैसा तूने कहा था, अब मुझे बता के आगे क्या करना है। अरे आपको बस साइकिलिंग करनी है, उसके सिवा आप करोगे भी क्या, इसको उड़ा तो नहीं सकते ना। अबे यार तू बकवास करना बंद करेगा और मुझे बता के एग्जैक्ट क्या करना है, मुझे कहाँ पर जाना है। अच्छा ऐसा क्या, तो फिर ऐसा बोलो ना, आपको जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको उसके ऊपर चढ़ना है पर साइकिलिंग करते हुए, और वो भी अपनी पूरी स्पीड में एकदम ऊपर जाना है, बीच में रुकना मत, कहीं पर भी आराम किया तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है गाइस जल्दी जल्दी जाते फिर। गाइस ये शेर कहाँ से आ गए, ये तो माउंटेन लायन है। शिनचैन यार तू इतना गिर गया, पैसों के लिए ये सब करेगा, अगर तेरे भाई को इन सब ने खा लिया तो क्या होगा, फिर कौन वहाँ पर फाइट करेगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइस यार अपने साइकिल तो स्लो हो रही है ये ढलान की वजह से, पर उन शेर की स्पीड और ज्यादा हो रही है, उनके दिमाग में तो ऐसा चल रहा होगा कि अगर ये भाग गया तो हमारा खाना चला जाएगा, मुझे कुछ सोचना होगा इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। मेरे पास एक प्लान है, कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जो एकदम डेड एंड हो, वहाँ पर जाके मैं अचानक से रुक जाऊंगा और वो लायन फिसल के नीचे गिर जाएंगे। चलो चलो ये जगह ठीक रहेगी गाइस, जल्दी से यहाँ पर जाके रोकते हैं। हाँ अब वो शेर आते ही होंगे, वो कुछ ज्यादा स्पीड में आ रहे। ओ गाइस जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जरा इनको देखो तो सही, सारे के सारे नीचे चले गए। भाई साहब मजा आ गया, आज तो शिनचैन और चॉप को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, वो लोग मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते, जल्दी से जाके उन्हें सबक सिखाते हैं। कहाँ गए वो लोग, ये रहे। तुम दोनों का दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है, करना क्या चाहते थे तुम लोग, मुझे जिंदा देखना अच्छा नहीं लगता क्या तुम दोनों को, अगली बार अगर ऐसा कुछ किया ना तो तुम दोनों की हालत खराब कर दूंगा मैं। अरे छोड़ो ना,
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। बिना डर के तो आप कुछ करते ही नहीं हो। अगर मैं इनको आपके पीछे नहीं छोड़ता ना, तो आप एकदम स्लो स्लो चलाते। और तेरे को क्या लगता है, इनकी वजह से मेरी स्पीड बढ़ जाएगी और मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो जाऊंगा। वो ये क्या हो गया गाइस, बनियान बची थी वो भी फट गई। ओ भाई साहब, गाइस यार हम तो एकदम सेक्सी हो गए। एप्स देख रहे हो हमारे, लगता है कुछ तो हुआ है हमें, मतलब के चेंज, पर पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे मैं तो बोलता आप जरा भाग के देखो, आपकी स्पीड पक्का बढ़ गई होगी। हाँ हाँ एकदम सही कह रहा है ये, अपना पूरा दम लगा के भागना। अरे यार तुम दोनों का दिमाग खराब है, वैसा करने से किसकी स्पीड नहीं बढ़ जाती है, तुम लोग बहुत ज्यादा गलत फहमी में हो। अरे आप करके तो देखो पहले क्या बोल रहे हो। चिल्ला मत, कर रहा हूँ। यार ये दोनों पागल, अगर ऐसी स्पीड बढ़ जाती तो भाई। सच्ची में बढ़ गई है, मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा। हमारी ट्रेनिंग काम आ रही है, हम लोग कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गए। थोड़ा सा भी चल रहा हूँ तो क्या स्पीड में आगे जा रहा हूँ मैं। ओ हमारी तो जंप भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, हम लोग बहुत लंबी जंप मार सकते हैं। गाइस अभी हमारा मसल भी बढ़ चुका है, हमारी स्पीड भी बढ़ चुकी है, हमारी जंप भी बढ़ चुकी है और हमारा स्टेमिना भी बढ़ चुका है। कहीं से कहीं तो ट्राई करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ सीधा यहाँ से जेल, वहाँ के प्रिजनर्स को मारूंगा मैं। इससे किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, मजा आ जाएगा। मतलब कि बस हल्का फुल्का मारूंगा, इतना भी नहीं। अबे यार ये क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यहाँ पर पुलिस भी होगी। ये तो पुलिस गोलियां चला रही है हम पर, पहले इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। और ये गया, अब इसकी बारी, आज तो भाई तबाही मचा देगा। जल्दी जल्दी जल्दी, और कोई है यहाँ पर? एक गार्ड खड़ा है। हाँ अब यहाँ पर नहीं खड़ा है, अब इसकी बारी। थैंक यू तो बोल दो सर, आप भाग के कहीं तो जा रहे थे, मैंने जल्दी पहुँचा दिया। ये लोग कहाँ पर जाएंगे, यहाँ तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, हो चुके हैं कैद। यहाँ से वहाँ या तो मेरे हाथ में, ये कोई खेलने कूदने की जगह है? ओ भाई साहब हमने तो सबको ठिकाने लगा दिया है, अब इन सबको कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गाइस फाइनली, ओहो इतने बड़े डोले शोले, अब तो मेरी पैंट भी फट चुकी है। चलो अब यहाँ से जाते हैं भाई। ओहो थोड़ा आजमाना पड़ेगा ना, ताकत बड़ी है तो पता तो लगे कितनी बड़ी है। चलो 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 भक्त, कहाँ पर हो? 1,00,000 में सीधा ढेर। अब तो हमारा वजन, स्टैमिना, मसल सब कुछ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और बॉडी भी डबल हो चुकी है, सारी नसें दिख रही है हमारी, कितना कूल लगता है ना ये सब। तो गाइस उस चैंपियनशिप में जाने का टाइम आ चुका है, तो जल्दी से बढ़ते हैं उस कॉम्पिटिशन की तरफ। फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये रहे शिनचैन और चॉप। शिनचैन चॉप कैसे हो? अरे आप कौन हो? अरे पहचाना नहीं क्या, मैं तुम्हारा फ्रैंकलिन भैया। अरे बापरे क्या बात कर रही हो, आपकी बॉडी तो एकदम ढासू हो गई है, मैंने तो आपको पहचाना भी नहीं था, आप कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो। गाइस यार इसके लिए तो एक लाइक कर दो। वाओ फ्रैंकलिन भैया एकदम हीरो लग रहे हो। अरे यार क्या तुम दोनों भी, मैं तो बचपन से हीरो। चलो चलो पटेली मारना बंद कर दो और जाके फाइट करो। हाँ वैसे तुम दोनों सही बोल रहे हो, फाइट का टाइम भी हो चुका है। ऑल द बेस्ट फ्रैंकलिन भैया, जीत कर ही आना। वैसे तो मुझे लगता है आप ही जीतोगे, आपकी बॉडी देख के तो लगता है वो आपके सामने नहीं टिक पाएगी। कुछ बोल नहीं सकते शिनचैन। हाँ पर मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुका हूँ। तो गाइस अब जल्दी से अंदर जाते हैं। हाश तो लेडी दबंग टाइम आ चुका है, अब तुम्हारी खटिया खड़ी होने वाली है। इससे बेटर तुम पहले हार मान जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है बॉडी बढ़ाने से तुम जीत जाओगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, एक मच्छर हो मच्छर। गाइस इसने अपने को मच्छर बोला, ये अपने को मच्छर कैसे बोल सकती है, इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये ले। हाय दैया रे। गाइस फाइनली हम लोग जीत गए और ये सारा पैसा हमारा हो गया, अब तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे पर ये बात भूलना मत कि आप हमारी वजह से जीते हो, हमने ही आपको ट्रेन किया था, वरना आप कभी भी नहीं जीत पाते। मैं क्या मना कर रहा हूँ भाई, यार तुम्हारे वजह से तो हुआ है, तुम नहीं होते तो मेरा क्या ही होता। चलो चलो थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये सारा पैसा रख लेते हैं। वाह नहीं भाई मैं थैंक यू बोल दूंगा, वही अच्छा रहेगा। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।